न्यूज तक अब नए अंदाज में। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और उनके पति अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं, लेकिन अब देसी गर्ल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में सुनकर उनके फैंस जरूर शॉक्ड हो सकते हैं। इसके चलते अब उनकी तलाक की खबरें भी आग की तरह फैल रही हैं। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि निक जोनस और प्रियंका की शादी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रियंका ने सोशल मीडिया से अपने नाम के आगे से जोनस हटा दिया है। अब चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निक और प्रियंका के बीच जो उन्होंने अपने नाम से जोनस हटा दिया, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अब सवाल उठ रहा है कि अगर प्रियंका और निक के बीच सब कुछ ठीक है तो ऐसा क्या हुआ कि एक्ट्रेस को अपने नाम के पीछे से निक जोनस का सरनेम हटाना पड़ गया। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वैसे आपको बता दें कि निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जोनस जोड़कर अपना नाम बदल लिया था। जब से प्रियंका ने अपने नाम के आगे से सरनेम जोनस हटाया है, तभी से उनके और निक के तलाक की खबरें खूब तेजी से सोशल मीडिया पर छाई हुई है, तो वहीं उनके फैंस भी उनके इस कदम से हैरान हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन पति निक जोनस के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर भी करती रहती हैं। फिलहाल अपने नाम से जोनस सरनेम हटाने को लेकर प्रियंका चोपड़ा या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई भी कमेंट या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो वहीं सरनेम हटाने के बाद भी प्रियंका और निक एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ये कपल तलाक लेने वाला है तो अभी भी एक दूसरे को फॉलो क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर वो तलाक ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो ही कर देंगे। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 को शादी की थी। एक्ट्रेस ने निक के साथ हिंदू रीति रिवाज और क्रिश्चियन दोनों रिवाजों से शादी की थी। ये शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद प्रियंका ने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह रिसेप्शन पार्टी भी दी थी, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीति और खेल जगत के कई स्टार्स शामिल हुए थे। हाल ही में दोनों ने साथ में एक बड़ा सा घर भी खरीदा है, जिसमें उन्होंने साथ में दिवाली सेलिब्रेट की थी। दिवाली की फोटोज शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा था कि हमारी पहली दिवाली हमारे दोनों के पहले घर में, ये वाली दिवाली हमेशा खास रहेगी। तो वहीं एक बार फिर आपको याद दिला दें कि न्यूज तक है अब बिल्कुल नए अंदाज में। हम नए तरीके से आपके साथ पेश हो रहे हैं, नए अंदाज में हम खबरें लेकर आपके पास आ रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके पास कोई हमारी खबरों से जुड़े सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहने की और आप तक हर खबर पहुंचाने की, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो देश विदेश से जुड़ी खबरें हों, चाहे वो राजनीति से जुड़ी खबरें हों। देखते रहिए न्यूज़ तक।